नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिसोदिया .com पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारे मित्रों की फरमाइश है कि हमें बकरे को कटा हुआ पूरा का पूरा बताएं कि उसको कौन कौन से पीस क्या क्या होते हैं, इसलिए आज मैं स्पेशली शॉप पे आया हूं। और शॉप पे आने के बाद मैंने एक बकरा कटवाया है जो लगभग 11 किलो का है, बहुत ही शानदार बकरा है, बिल्कुल पिंकिश। और इस बकरे को मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं और मैं क्या लेता हूँ, ये मैं आपको विवरण बताता हूँ। मेरे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये पूरा बकरा है, ये 12 किलो का है और अभी मैंने फ्रेश कटवाया है, इसके लिए मुझे आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ा है। ये जो मेरे पास है इसे पुट्ठा भी कहते हैं, पिछली दस्त भी कहते हैं और पिछली रान भी कहते हैं। ये पूरा पोर्शन देख रहे हैं आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये पिछली दस्त, रान, पिछली, इसके जो रेशे होते हैं थोड़े बड़े पाए जाते हैं, इस पर रेशा थोड़ा बड़ा होता है और गले में थोड़ा समय लेता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो है हमारा टेस्टिकल से ये लगे रहते हैं इसके अंदर, ये बिल्कुल फ्रेश है और ये इसकी पहचान है कि ये हमारा बकरा है। इसके अंदर उसके अलावा एक हमारे पास ये भी होती है नली, जिससे हमें पूरा पता पड़ जाता है कि ये बकरा है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे रान के बाद मेरे पास जो है ये है कमर, ये इसको कमर बोलते हैं, ये पूरी जो कमर है ये कमर का पीस भी बहुत अच्छा पाया जाता है, इस पूरी को कमर कहते हैं। अंदर से आप देखेंगे तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का कमर है, ये टेस्टिकल्स कहलाते हैं। और इसके अलावा ये मेरे पास जो है ये है गुर्दे, ये दो गुर्दे पाए जाते हैं इसके अंदर। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये चाप है, इसमें आप देख रहे हैं चाप, और ये हमारे पास सीना है, इसी प्रकार से इधर भी चाप है, इधर भी सीना है, इसे मेरुदंड भी कहते हैं कई लोग। ये वर्टिबल कॉलम है और ये इसका पीठ का हिस्सा है, इसे कमर भी कहते हैं। मैंने जैसा आपको बताया कि ये कमर है, पूरी ये कमर है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी कमर है, ये पूरा पट्टा जो इसे कहते हैं पिछली दस्त या पिछली रान। इसके अलावा आप देख रहे हैं ये आगे का शोल्डर है, इसको बोलते हैं आगे का शोल्डर, यानी कि अगली दस्त या अगली रान। इसी प्रकार से मेरे पास ये दूसरी रान भी है, पूरा पूरा बकरा अभी कटवाया हमने फ्रेश। आप देख रहे हैं ये गर्दन है, ये गर्दन का पीस है। अब आप ये पूछेंगे कि आप क्या लेते हैं, जनरली जो मैं है ये अगली दस्त लेता हूँ, चाप और सीना, और उसके अलावा ये कमर का पीस, ये मैं प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये गलने में बहुत बढ़िया होता है और इसका जो पीस होते हैं वो बहुत मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ये अगली दस्त बोलते हैं इसे, अगली रान। इन्हीं सब को मिलाकर मैं अपना बकरा खरीदता हूँ हमेशा। और आप लोगों को जैसे मैंने बताया इसके पार्ट्स, अब आप समझ चुके हैं इसके पार्ट्स, इसी हिसाब से आप लोग भी वेट करें, इंतज़ार करें और जब बकरा कटे जब ही लें, क्योंकि अगर आप पड़ा हुआ बकरा लेंगे तो आपको ये पता नहीं पड़ेगा कि कौन सा पार्ट क्या है। जनरली क्या होता है, ये जो एक शोल्डर आता है अगले का, इसका वज़न लगभग 700 से 800 ग्राम होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक पूरा शोल्डर ले लेता हूँ, ये 700 करीब ग्राम होता है, पूरा शोल्डर ले लेता हूँ, इसके बहुत बढ़िया पीस है, इसके अंदर रेशे नहीं होते हैं। इसके अलावा फिर मैं थोड़ी सी चाप ले लेता हूँ और उसके बाद में थोड़ी सी बचा हुआ ये कमर ले लेता हूँ। इस प्रकार से मेरा 1 किलो का पूरा बकरा तैयार हो जाता है और मैं हमेशा इसी प्रकार से बकरे का चयन करता हूँ और बकरे के पीस लेता हूँ।